विक्रमा एजुकेशन ट्रस्ट एंड विहान ट्रस्ट द्वारा सुरभि पार्टी हॉल ठाकुर कॉम्प्लेक्स में कैरियर मार्गदर्शन व गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष एवं मुंबई भाजपा सचिव अशोक सिन्हा के नेतृत्व में करीब हजारों बच्चों को कैरियर गाइडलाइन किया गया और सम्मानित किया गया, जिसमें सभी बच्चों को फेजर क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सम्मान चिन्ह दिया गया। इस कार्यक्रम में सुबह 5 घंटे का सेशन फेल हुए बच्चों को मार्गदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद शाम को विद्यार्थी गुण गौरव सम्मान रखा गया, जिसमें 91% से 97% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को सांसद गोपाल शेट्टी ने सम्मान किया। इसके अलावा करीब 700 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया जिनके अंक 80% के ऊपर थे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। सम्मानित बच्चों को सम्मान सर्टिफिकेट पत्र, मेडल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद गोपाल शेट्टी, आमदार अतुल भातलकर, शिव कुमार झा, सुनीता यादव, सुरेखा पाटिल, अन्य नेता मौजूद थे। ये पहली बार देखा गया है कि जो बच्चे कम मार्क्स लाते हैं या फेल होने की कगार पर रहते हैं, उनके लिए गाइडलाइन दी जा रही है आपके द्वारा। किस तरह की गाइडलाइन होगी, किन बच्चों को दिया जा रहा है, कितने बच्चों को बताइए। देखिए, समाज में चढ़ते सूरज को तो दुनिया सलाम करती है, दुनिया प्रणाम करती है उनको। जो भी अच्छे बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सब संस्था उन अच्छे मार्क्स वाले को सम्मान करती है, प्राइज देती है। लेकिन समाज में हर कोई टॉप नहीं होता, टॉप एक ही होता है। अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं जो किसी भी कारण से, हो सकता हो मन बुद्धि हो, उनके समझ में नहीं आ रहा हो या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता हो, उनके मार्क्स कम आते हैं या बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं, जो बच्चों ने मार्क्स कम लाया है या जो बच्चे फेल हो गए हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए हमने करियर गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पे रखा। जो बच्चे फेल हो गए हैं वो आगे पढ़ करके कैसे पास करें, या 12th के बाद जो फेल हो गए हैं, आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं, जिसके लिए हमने अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट लोग को बुलाया हुआ था। और उन लोगों ने उन बच्चों को समझाया कि भाई 12th के बाद अब फेल भी हो गए हो तो भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करके आगे बढ़ सकते हो। अब कुछ ऐसा काम करो जिसमें लोगों को नौकरी देने के बजाय, नौकरी करने के बजाय खुद तुम 2-4 लोगों को नौकर भी रख सको, ताकि 2-4 लोगों को रोज़गार मिल सके और आप भी आगे बढ़ो। आपके मन में ये भावना कभी नहीं होना चाहिए कि हमने कम मार्क्स प्राप्त किया, हम फेल हो गए। जो बीत गया वो बीत गया, अब आगे कैसे बढ़ोगे उस पर सोचो। उसके लिए उनको समझाया गया और उन्हें बताया गया कि आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। उनको सम्मान भी किया गया, 3 बच्चों का सम्मान किया गया, कितने लोग आए। उसके बाद हमारे दूसरे सेशन में जो कार्यक्रम रखा गया छात्रों का गुण गौरव सम्मान, उसमें जितने हमारे एरिया आसपास के ठाकुर कॉम्प्लेक्स पोलचर थोड़ा मलाड से कांदीवली भेज से जो भी बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए थे, उनके सम्मान का कार्यक्रम भी रखा गया। टोटल यहाँ पे आज 693 बच्चों का सम्मान किया गया। और सबसे बड़ा चीज़ ये रहा कि उसमें से 65 बच्चे 91+ वाले थे, क्योंकि हाईएस्ट 97.6% था, जिनको गोपाल शेट्टी जी ने 5001 नगद चेक से देके उनका सम्मानित किया। और सभी बच्चों को यहाँ पे मेडल प्रशस्ति पत्र सम्मान चिन्ह दे करके उनको सम्मानित किया गया। और कहा गया कि भाई, जो आप मेडल जीत रहे हो उसे अपने सामने रखो, ताकि आपको प्रेरणा मिलती रहे, हमें दूसरा मेडल भी जीतना है। करियर के बारे में अगर बात की जाए तो किस तरह से करियर गाइडलाइन आज उनको दी गई और कौन कौन लोगों ने उनको गाइडलाइन दिया। देखिए, करियर गाइडलाइन के लिए हमारे एक मित्र है, आर्मी से रिटायर कर चुके हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया कि भाई 10th के बाद और 12th के बाद भी आप आर्मी में जाके देश की सेवा कर सकते हैं। और उसके लिए उन्हें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे देना है, कैसे करना है, इस बारे में उन्होंने बच्चों को पूरे गाइडेंस दिया। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से, कुछ मीडिया से, कुछ फिल्म लाइन से लोग आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप फिल्म लाइन में अपना करियर बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बना सकते हैं। और आज बहुत से ऐसे चीज़ है, देश में इतने इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं, उनके रिपेयर के लिए अच्छे मैकेनिक नहीं हैं,
तो प्रशिक्षण लेके वो उस काम को भी शुरू कर सकते हैं, खुद धंधा शुरू करेंगे, जो कि आज उसके लिए आसान किस्तों में लोन भी मिल जा रहा है, तो वो अपने साथ साथ दो चार और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। इस तरह से उनको प्रोत्साहन दिया गया, उनका सम्मान किया गया है और आपके नेतृत्व में भी काफ़ी कुछ बच्चों को जो है विकसित किया गया है, क्या कुछ करना है इसमें? एक्चुअली बच्चों को मैं यही गाइड करना चाहूँगा कि बच्चे का मार्क्स 50 हो या 90 हो, ये हमारी सोसाइटी की कमी है कि बच्चों पे प्रेशर आ जाता है कि मेरा मार्क्स कम है, हम आगे अच्छा नहीं कर सकते। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है जो 39% ला के, ये तो 10th का एग्ज़ाम है, 39% 12th में ला के वो IIT में 1672 रैंक हासिल किए। तो ये सोच की कमी है सोसाइटी का, सोसाइटी में ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को समझना चाहिए कि मार्क्स ही सब चीज़ नहीं होता है, उनको लगातार मेहनत करना चाहिए, हर बच्चे को अपना 100% देना चाहिए। मार्क्स कम है या ज़्यादा वो अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा अपना 100% देना चाहिए कि आगे चल के जब वो पीछे घूम के देखे तो उनको ये ना लगे कि शायद उस टाइम हम अपना 100% दिए रहते तो आज हम अच्छे जगह रहते। यहाँ का 2 साल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आदमी, जो बच्चा, जो स्टूडेंट 2 साल तक जिस फील्ड में मेहनत करेगा वहीं इसका आगे का स्कोप है। इस 2 साल को काफ़ी सोच समझ कर यूज करना चाहिए आफ्टर 10th, बस हम इतना ही करना चाहेंगे। और कभी भी सोसाइटी के प्रेशर में कोई डिसीजन ना ले, आप खुद देखिए आपका कहाँ इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में आप अपना स्कोप बनाएं। हर फील्ड अच्छा है, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। पहली बार सिन्हा साहब ने इस तरह के बच्चों को करियर के बारे में गाइडलाइन दिया है जी, क्या कहेंगे? हाँ, सिन्हा सर जी के तरफ से, विक्रमादित्य एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम जो आयोजित हुआ है, ये इनके बिना पॉसिबल नहीं था। शायद वही थे कि इतना चीज, इतने बड़े बड़े नेता जो बच्चों को आके मोटिवेट किए, ये बस इन्हीं के कृपा से हुई है। और आगे हर साल हम चाहेंगे कि सिन्हा सर जी ये हर साल प्रोग्राम करें ताकि बच्चों को मनोबल मिलते रहे।